बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और खुश हूँ। अल्लाह पाक आप सबको भी ढेरों खुशियाँ दे, अपने घरों में खुशियों से आबाद रखे, आपके रिस्क में ढेरों रहमतें बरकतें डाले, आमीन सुमा आमीन। उनसे छोटी सी दुआ के साथ जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़े की है। आज हम बना रहे हैं जी टूटी फ्रूटी टी केक, और उसका ये है कि उसकी खास बात ये है कि वो मैं अपने चाय वाले सॉस पैन में बनाऊंगी, और साथ में उसके हम लोगों को ब्लेंड वो उसकी ज़रूरत नहीं है कि हैंड मिक्सर से उसको मिक्स नहीं करूंगी किसी दूसरे से, नहीं सिर्फ अपने जूसर वाला जो मेरा जग है उसमें उसको बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे जो जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो आप नोट करें। सबसे पहले तो मैंने ये बटर लिया है, ये 2 से 3 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, और 1 कप मेरे पास है मैदा, 1/2 कप मैंने उसके लिए चीनी ली है। अच्छा जी, 1/3 कप जो है मैंने ऑयल लिया है, 3 अंडे हैं मेरे पास, थोड़ा सा इसमें जाएगा वनीला एसेंस, 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, और टूटी फ्रूटी जो है वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने 1 चम्मच लिया मैदे का, इसमें टूटी फ्रूटी को कोट करके उसमें डालूंगी, और थोड़ा सा मैंने 1/2 कप के जितना जो है ये देखे मैंने मिल्क लिया है, और ये इनमें कोई भी चीज़ें जो है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर वाली ही सारी होनी चाहिए। अब मैं जग में डाल रही हूँ सबसे पहले 3 अंडे, ये मैंने इसमें अंडे ऐड कर दिए, साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी, और इसमें जाएगा ऑयल, कुकिंग ऑयल, इसको मैं ब्लेंड कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसमें मैंने 3 अंडे चीनी और ऑयल डाल के इसको ब्लेंड किया, मैं इसमें थोड़ा सा दूध जो है आधा तकरीबन इसमें मैंने ऐड किया। अब इसको फिर अच्छे से कर लूँ ब्लेंड ताकि ये चीनी जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें जी, अब इसमें जो बटर मैंने लिया था वो भी इसी में ऐड कर रही हूँ, इसको ऐड करके 1 मिनट के लिए इसको और अच्छे से ब्लेंड कर लूँ फिर दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स, ये देखें हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया, अब मैं इसको कर रही हूँ साइड पे। ये मैंने एक ले लिया खाली बाउल, इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा, इसको छान लूँ, ये इसमें जा रहा है जी बेकिंग सोडा, और इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करके अब जो ये मिक्सचर हमने रेडी किया है इसको मैं इसमें डालूंगी, इसको मिक्स कर लूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मिक्स करके अच्छे से इसको थोड़ा सा इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स जो है वो डालना है वनीला एसेंस के, वो भी इस टाइम में आप इसमें शामिल कर दें। ये देखें जी, और सबसे सब अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं इसमें वनीला एसेंस जो है इसके 3 से 4 ड्रॉप्स डाल रही हूँ, जी। तो व्यूअर्स, ये देखें मिक्सचर रेडी हो गया। अब ये जो मैंने मैदा लिया था 1 चम्मच, उसमें मैं डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्लेन केक जो है वो पसंद आता है, कुछ लोग टूटी फ्रूटी ऐसे इसको अच्छे से मिक्स करके फिर आपने डालना, ताकि सारी टूटी फ्रूटी जो है वो केक के नीचे वाले हिस्से में ना बैठ जाए। अब मैं इसमें ये मिक्स कर रही हूँ डाल के, इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मिक्स हो गया। ये देखिए जी, ये मेरा है चाय वाला सॉस पैन, इसमें मैंने ऑयल और बटर पेपर लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब ये सारा मिक्सचर जो है ये मैं इसमें डाल रही हूँ, इसको मैं किसी और पतीले में नहीं, इसको डायरेक्टली एक छलनी के ऊपर रख के चूल्हे के ऊपर इसको हम लोग बेक करेंगे।
ये देखें जो व्यूअर्स, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी जो है वो और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखें जो चूल्हे के ऊपर मैंने इस तरह एक छलनी रख दी है, उसके ऊपर मैं इसको रख दी अपने केक को, और इसको ऊपर से कर रही हूँ कवर। ये 30 से 35 मिनट में जो है रेडी हो जाएगा, और इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने रखना है। मैं आपको इसको 30 मिनट के बाद एक बार फिर दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, इसको 25 मिनट हो गए हैं बेक होते हुए, और बहुत अच्छे से हमारा केक जो है वो बेक हो रहा है। अभी इसको 20 मिनट और लगेंगे तकरीबन। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा केक जो है वो बहुत अच्छे से बेक हो गया है। इसको आप यूं करके स्टिक की मदद से चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारी स्टिक जो है वो बिल्कुल साफ़ निकल रही है बाहर, तो इसका मतलब है हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी हो गया। मैं थोड़ा सा इसको ठंडा होने दूंगी, फिर मैं आपको इसको निकाल के कट करके दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स ये देखिए केक हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। अब मैं इसको निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े का हमारा जो केक है वो रेडी हो गया है। अब इसका जो बटर पेपर है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। बहुत मज़े का हमारा केक जो है रेडी हो गया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारी रेसिपी जो है उसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।